रायपुर कांग्रेस संगठन चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। युवा कांग्रेस संगठन के उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष पलाश मल्होत्रा बने हैं, जिनको लेकर मंगलवार को रायपुर शहर के MIC सदस्य अजीत कुकरेजा ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद युवाओं में भारी खुशी की लहर है। जो चुनाव में जीता है या जो भी हारा है, उन सभी को हमें साथ में लेकर ही चलना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है। रायपुर उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष मल्होत्रा ने 3619 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं पलाश मल्होत्रा की जीत के बाद उत्तर विधानसभा में युवाओं में खुशी की लहर है। बड़ी संख्या में युवाओं ने पलाश का स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। इस दौरान पलाश मल्होत्रा ने कहा कि उत्तर विधानसभा के रूप में युवाओं ने जो कीमती वोट उन्हें दिया है, वो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में हर समय तत्पर रहेंगे और पार्टी के लिए सेवा का काम निष्ठा के साथ करेंगे। पूरी अपनी टीम बनाएंगे, नई युवाओं को जोड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, इसमें अपने उत्तर विधानसभा को मजबूत करेंगे और जितने से ज्यादा यानी जो भी लोग मेरे अपोजिट चुनाव लड़े थे, जो भी है उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि उन लोग चुनाव लड़े थे, जो भी हुआ हारे जीते वाला हुआ है जो भी चुनाव में, बट अब हम लोग उनको साथ में लेके चलेंगे क्योंकि बॉडी में ही आए हैं। उनको अपन ने लोगों को भी बॉडी में जोड़ के साथ में मिलके काम बिल्कुल सही। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की ये सोच रही है कि हम NSY यूथ कांग्रेस और संगठन के जो अन्य पद है उसमें चुनाव करवाएं, क्योंकि चुनाव जब हम करवाते हैं तो ग्रास रूट के आदमी को आगे आने का मौका मिलता है, नेता बनने का मौका मिलता है। और हमने लगातार पूर्व में देखा है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं, लोगों को मनोनीत करते हैं, तो कुछ लोगों को ही बार बार पद मिलता है और बाकी नीचे के लोग सिर्फ कार्यकर्ता बनकर रह जाते हैं। तो राहुल गांधी जी की ये सोच थी और जिसके कारण पूरे भारत में NSY और यूथ कांग्रेस ने बहुत सारे लीडर्स हमारे देश को दिए। देखिए 90 विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए, जिला अध्यक्ष ग्रामीण अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए। हमने पलाश मल्होत्रा को उत्तर विधानसभा रायपुर से कैंडिडेट बनाया था और बहुत ही खुशी की बात है कि ये लगभग 3600 वोट पाकर 2200 के लीड लेके इन्होंने चुनाव जीता है। पर जो चुनाव में सेकंड नंबर आया है वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी कांग्रेस पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है। जो भी प्रक्रिया थी उसके तहत हम चुनाव जीते हैं, पर अब मिलकर काम करना है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा को केरला से चालू किया है, लगभग 3500 किलोमीटर वो चलकर जम्मू में कश्मीर में जाकर वो यात्रा खत्म होगी, उस तरीके से हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे जिला में हीरा नागरची उपाध्यक्ष जीत के आए हैं, पश्चिम विधानसभा में आदित्य ठाकुर हमारे महासचिव बने हैं, दक्षिण विधानसभा में भूपेश वर्मा हमारे महासचिव बने हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि सारी विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज में वार्ड वाइज एक छत्तीसगढ़ भारत जोड़ो यात्रा चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वार्ड से अधिक युवाओं को, महिलाओं को इसके साथ जोड़ा जाए और एक नई टीम तैयार करें कांग्रेस पार्टी के लिए, जो देश हित में, जन हित में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करें। आपको पता होगा अगले साल विधानसभा चुनाव है, लगातार 4 साल भूपेश बघेल जी हमारे आदरणीय CM साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो किसानों के हित में हो, चाहे व्यापारियों के हित की बात हो, तो उस चीज़ों को, उस काम को लोगों तक पहुँचाने का काम यूथ कांग्रेस की टीम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ पलाश मल्होत्रा युवा है और एनर्जेटिक है, मेहनत करेंगे और एक नई टीम बहुत जल्द तैयार करेंगे।